माह की कालाष्टमी 3 मार्च को। जानिए क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त और किस लिए रखा जाता है यह व्रत। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। भगवान काल भैरव को शिव जी का ही एक रूप माना जाता है। भगवान काल भैरव की आराधना करने से व्यक्ति को जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। हिंदू धर्म में हर माह के कई व्रत और त्योहार आते हैं। मार्च माह की शुरुआत आज से हो गई है। हिंदू पंचांग के अनुसार फिलहाल फागुन माह चल रहा है और इस माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी मनाई जाएगी। पौराणिक मान्यता है कि कालाष्टमी पर भगवान काल भैरव की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है और रोग दोष काल शत्रु बाधा सभी से मुक्ति मिलती है। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। फागुन माह की कालाष्टमी 3 मार्च 2024 यानी रविवार के दिन है। हिंदू पंचांग के अनुसार 3 मार्च को ही उदया तिथि के अनुसार भानु सप्तमी और शबरी जयंती भी मनाई जाएगी। कालाष्टमी के दिन तांत्रिक अघोरी गुप्त रूप से काल भैरव की पूजा करके अलौकिक सिद्धियां प्राप्त करते हैं। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 3 मार्च 2024 को सुबह 8:44 से शुरू होगी और 4 मार्च 2024 को सुबह 8:49 पर खत्म होगी। काल भैरव को शिव जी का ही रूप माना जाता है। काल भैरव की आराधना करने से व्यक्ति को जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। विधि विधान से पूजा करने से घर में खुशियों का आगमन होता है। इस दिन पूजा के दौरान काल भैरव को मीठी रोटी का भोग लगाएं, साथ ही काले कपड़े जूते चप्पल सरसों का तेल और काजल का दान करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और काल भैरव भगवान प्रसन्न होंगे। ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को। तब तक के लिए धन्यवाद।